अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? आपने अपना जो वर्क आपको डेली का ऑनलाइन में करवाया जाता है, डायरी में पता चल जाता है, रोजाना का रोजाना थोड़ा थोड़ा करते जाए ताकि आप पे बाद में बर्डन ना पड़े। जब बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है तो फिर स्टूडेंट्स सोचते हैं हाँ ये कैसे करना है, एक दिन का काम छोड़ के दूसरे पे डालते हैं। तो दूसरे दिन का तो अपना एक काम होता है, पहले दिन वाला जब दूसरे में पड़ जाता है तो वो कितने काम हो जाते हैं? वो दो काम हो जाते हैं। और इन दो कामों का करना आपके लिए मुश्किल होता है, आप फिर इनमें से कोई ना कोई आगे पीछे करते हैं। तीसरे दिन पे जब चला जाता है तो फिर आप खुद ही सोच लें वो कितने काम हो जाते हैं। आज का हमारा काम है इत्तफाक में बरकत है। कहानी है आपकी उर्दू बी की, ये कहानी है आपकी जो बुक्स हैं वायदो इंशा, इसमें ये कहानी मौजूद भी है। ये कहानी दो जो कहानियां हैं उन पे ये लिखी जा सकती है। आप इसमें से, मैंने एक तो इसका लिखा है किसान और इसके बेटे, ये वो कहानी है, वो स्टोरी है जो आप अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, आपकी बुक्स पे भी मौजूद है, आपकी ग्रामर की बुक पे भी मौजूद है, दूसरी पे भी है, जिसमें कि एक किसान के बेटे होते हैं, उनको चाहता है किसान के वो मिलजुल कर रहे हैं लेकिन वो मिलजुल कर नहीं रहते। ठीक है, अब किसान जो है वो अपनी जिंदगी गुजार के बीमार पड़ा हुआ है, उसको अपने दुनिया से जाने का वक्त जो है वो करीब नजर आ रहा है, लेकिन अपने बेटों की जो उसका तरीका है उससे वो मुतमईन नहीं। वो चाहता है कि मेरे बेटे जो है वो इत्तफाक से रहें, सलूक में रहें, तो क्योंकि उसमें फायदा है, लेकिन वो रहते नहीं। अब उसने क्या किया है कि बच्चों को, अपने बेटों को, चार बेटे हैं उसके, उनको समझाने के लिए एक तरीका जो अपनाया है, उसने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। बेटे उसके लकड़ियां लेके आते हैं, अब दो दो तीन तीन वो लकड़ियां लेके आते हैं। ठीक है, वो लकड़ियां लाते हैं, उनमें से उसने जो लकड़ियां थी सिंगल सिंगल यानी लहदा लहदा, उसने कहा कि बेटा इनको अब तोड़ो। उसने तोड़ लिया, लड़कों ने एक एक लकड़ी पकड़ी और तोड़ दी। फिर उसने कहा कि अब इन लकड़ियों को एक गट्ठे की सूरत में बांध दो। ठीक है, गट्ठे की सूरत में बांध दो। बेटों ने बांध दिया। अब उसने एक बेटे को वो गट्ठा पकड़ाया कि इसको तोड़ दो एक वक्त में, तो बेटे ने कहा कि ये तो मेरे बस में नहीं है, मैं ये नहीं तोड़ सकता हूं, तो बहुत भारी गट्ठा है, इसको तो मैं तोड़ ही नहीं सकता। अब दूसरे को कहा, उसने भी कहा कि नहीं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इतनी सारी लकड़ियों को एक वक्त में नहीं तोड़ सकता। अब तीसरे को भी, चौथे को भी, बारी बारी सारे बेटों को वो कह रहा है कि इस गट्ठे को तोड़ो, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे ना। तो फिर बाप ने बेटों को समझाया कि इत्तफाक में बरकत है, अकेली के लिए लकड़ी थी आसानी से तोड़ ली, अब जब वो लकड़ियां एक गट्ठे की सूरत में बन गई हैं तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता। लकड़ियों की मिसाल दे के बेटों को समझाया कि जब तुम अकेले अकेले रहोगे तो क्या तुम्हें कोई भी हरा सकता है, तुम्हें शिकस्त दे सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जब तुम जत्थे की सूरत में, इत्तफाक में रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तो क्या होगा? बरकत रहेगी। तुम जो है वो एक मजबूत ग्रो की सूरत में होगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, हरा नहीं सकेगा, शिकस्त नहीं दे सकेगा। ये तो एक स्टोरी थी ना 9th क्लास जो मैंने आपको, किसान और इसके बेटे। ये आपकी जो आपने पीछे पिछली वाली किताबें पढ़ी होंगी, पिछली क्लासेस में सुनी होंगी स्टोरीज, वो ज्यादा यही है। लेकिन उसके साथ साथ दो बैल जो हैं इनके मतलब भी इत्तफाक में बरकत वाली एक कहानी है, आपकी कायदो इंशा की बुक में मौजूद है। उसमें ये दूसरी वाली स्टोरी है कि एक जो किसान होता है उसके पास बैल होते हैं दो, तो वो बैल जो है वो उनका ना आपस में बड़ा इत्तफाक होता है। ठीक है, इत्तफाक होता है तो वो किसान जो है उसके पास ना चारा नहीं होता उनको देने के लिए, खिलाने के लिए चारा नहीं होता, वो चारा उनको नहीं दे सकता तो वो उनको जंगल में छोड़ देता है कि वहां से वो पेट भर के चारा खाए और अपना गुजारा करें। वहां पर वो दोनों बैल वो काफी सेहतमंद होते हैं, मतलब खाते रहते हैं चारा वगैरह और वहां उनका गुजारा चलता रहता है। तो शेर जो है उसके मुंह में बड़ा पानी आता है कि उसको जो बैल है
शेर को बड़ा लगता है कि उसके जो बैलों का गोश्त है वो बड़े मजे का होगा और मैं बड़े मजे लेके खाऊं, इन पर हमला करूं और इनको चीर फाड़ खाऊं। लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि जो बैल हैं वो आपस में कितना इत्तेफाक रखते हैं। अब दोनों की आपस में, बैलों की आपस में खूब दोस्ती भी है और इत्तेफाक भी है। अब शेर बैलों पे हमला करता है, शेर जो है वो बैलों पे हमला करता है, लेकिन बैल जो है क्योंकि उनका इत्तेफाक है, वो आपस में मुत्तहिद हैं। आपस में इत्तेफाक की वजह से क्या होता है, वो शेर के हमले का जवाब बहुत भरपूर देते हैं और उसको हमले में शिकस्त दे देते हैं। यानी शेर बैलों पे हमला करता है तो नाकाम हो जाता है कि उनको शिकस्त दे, उनके इत्तेफाक की वजह से। यही अगर बैल अकेले अकेले होते तो शेर ने हमला करके एक बैल को तो चीर फाड़ खाना था, लेकिन उनके इत्तेफाक की वजह से क्या हुआ कि शेर ने उन पे हमला किया, तो शेर पे हमले का जवाब बैलों ने बहुत अच्छे से दिया और उसके अपने सींगों से उठा उठा के शेर को मारा। जब वो उसको शेर को मार भगाते हैं, पीछे बिछाड़ देते हैं, तो फिर वो इस चीज का शुक्र भी अदा करते हैं और वो महसूस भी करते हैं कि उनके इत्तेफाक की वजह से वो शेर के शिकार से बच गए। यानी इत्तेफाक में बरकत है। आप 9th क्लास दोनों में से, आप दोनों स्टोरीज में से आप जौन सी भी आपको इजी आप समझते हैं उसको कर ले, और दोनों ही आसान भी हैं, दोनों आसान भी हैं, और लेकिन जो इसका कंसेप्ट है वो नहीं खराब होना चाहिए। आप उसका कंसेप्ट जो है वो ठीक देंगे, वो किस तरह के आपने स्टोरी शुरू की। स्टोरी जो है वो हमेशा माजी में लिखी जाती है, ठीक है, माजी में लिखी जाती है, और फिर स्टोरी के अंदर आपने जो शुरुआत की बात है वो माजी में ही शुरू करेंगे, और फिर उसका जो आखिर पे आपने नतीजा जो है उसके नाम का जो नतीजा है वो ज़रूर आप उस पर ज़रूर लेके आए, ठीक है ना। आपने किसान के बेटों का लिखा, जब उसकी स्टोरी लिखी, उसमें वो करता है, उसको उनको देता है, लकड़ियाँ देता है कि ये इसको तोड़ो, वो पहले उनको सिंगल सिंगल देगा, सिंगल सिंगल लकड़ियाँ देगा, फिर उनसे उनको इकट्ठा बना के वो तो फिर देगा कि अब इसको तोड़ो, तो फिर वो कहेंगे कि ये तो हमारे बस में नहीं है, ये हम नहीं तोड़ सकते, कि ये बहुत बड़ा इकट्ठा है, हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो उसके लिए आप स्टोरी को सीक्वेंस में लिखेंगे और फिर उसके रिजल्ट पे ले आएंगे कि जो इत्तेफाक है उसमें बरकत है, क्योंकि लकड़ियाँ जो थी वो थोड़ी थी, तो जब एक एक थी तो वो आसानी से टूट गई, जब वो इकट्ठा था तो फिर वो उसको किसान के बेटे नहीं तोड़ सके, ठीक है। स्टोरी बहुत आसान है, आप अपनी उर्दू बी की कॉपीज पे इसको लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, बहुत आसान स्टोरी है। आपने पहले भी इसको अपनी बुक्स में पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा, अभी आपकी जो बुक्स हैं उसमें वर्डिंग थोड़ी पहले से चेंज है। समझ आ गई 9th क्लास आपको, इसके मतलब कुछ yes. कुछ पूछना चाहते हैं? No. आपकी ग्रामर की बुक्स पे भी मौजूद है, आप वैसे इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, बहुत आसान स्टोरी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको दोनों ही वाली बता दी है, आप दोनों में से जौन सी भी आपको इजी लगती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, नतीजा जो है वो उसका सेम होना चाहिए ना, वो उसके मुताबिक होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि स्टोरी का नतीजा क्या है। अमूमन स्टोरीज आपको उसके नेम की वजह से भी आपके पेपर में आ जाती हैं, रिजल्ट पे भी आ जाती हैं। इस तरह अब इत्तेफाक में बरकत स्टोरी है, ये किसान और उसके बेटे के नाम से भी आपको मतलब आपकी आ सकती है। सबको समझ आ गई है? कुछ पूछना चाहते हैं? यस नो। कॉपीज बनाई है आपने स्टूडेंट्स बी की, उर्दू यस उर्दू बी की कॉपीज बनाए, और कल जो हमारा काम हुआ था सच की बरकत वाला स्टोरी, वो भी आप कॉपी पे लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। लिखने से ये होता है ना कि आप अगर लिख रहे हैं तो आपको लिखने में ही याद हो जानी है, लिखने में आधी से ज्यादा स्टोरी आपको याद हो जानी है,
आपको उसको उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके जी टीचर, जी बच्चे ये दो बैल वाली स्टोरी अलग है, क्या कह रहे हैं? ये जो आपने लिखा है ये तीनों स्टोरी से लदा लदा है। ठीक बच्चे इत्तफाक में बरकत स्टोरी का नाम है, ठीक है? तो नीचे मैंने जो लिखा है ये दो स्टोरीज के लिखा है। इसमें दो बैल वाली मैंने आपको सुनाई है ना सारी। दो बैल जो थे वो जंगल में रहते थे, तो शेर ने हमला किया, तो शेर के हमले को उन्होंने नाकाम बना दिया अपने इत्तफाक की वजह से, ठीक है? और ऊपर वाली जो वो किसान और उसके बेटे जो हैं, उसके मुतल्लिक है कि किसान के बेटे जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इत्तफाक नहीं था। फिर किसान ने उनको लकड़ियों की मिसाल दे के समझाया कि किस तरह वो इकट्ठे रहेंगे तो उनमें बरकत रहेगी। दो स्टोरीज का लिखा है, ऊपर नाम है, उस नाम पे ये दो स्टोरीज बन सकती है, ठीक है? अब समझ आ गई है? अब यस मैम, मैम हम इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं? जी बच्चे यही तो मैं बता रही हूँ आपको। मैंने आपको ये दोनों एक ही मोरल पे है ना, इन दोनों में से एक ही लिखनी है आपने, या आप किसान के बेटे वाली लिखेंगे या दो बैलों वाली लिखेंगे। आपकी कायदो इंशा ओके पे मैम, दो बैल वाली जो है वो मौजूद है कहानी, जो आपकी ग्रामर की बुक है ना कायदो इंशा, उस पे दो बैल जो है उनकी स्टोरी मौजूद है, वो आप लिख सकते हैं। ऊपर वाली भी लिख सकते हैं। ये दोनों मुझे वो मैंने पहले भी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, मैंने तो आपको मतलब समझाया है, मिसाल दी है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक ओके है? मैम। आगे बच्चे यस मैम।